Hello everybody, in this video we will be starting the second part of your unit number 30th, that is compliance culture and GRC framework. As you know that this is a part of your foundation series for CAB exam. In this particular video we will be talking about GRC framework, which has been asked in various cycles of your CAB exam, and we are expecting that in upcoming cycles also this question might be asked, that what is the GRC framework, what is the full form of GRC, and what are the characteristics of this framework. So let's get started. First of all, let me remind you that we have come up with our master course for your CAB 2024 cycle. It includes the four compulsory subjects of ABM, BFM, ABFM and BRBL. What all deliverables you will be getting? You will get 400 plus recordings of your lectures, and 150 plus chapter wise tests will be there, and 20 full length mocks will also be provided. Plus, as you know that we are running various discounts on our website for the courses, so you do check the courses and enroll if you find them useful. So let's start today's topic. As you know, governing, or you can say the governance and risk compliance, this is the full form of your GRC framework. क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछा गया है वो यही पूछा गया आपसे कि जीआरसी फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर जीआरसी की फुल फॉर्म क्या है. कभी वो पूछ लेते हैं कि आर का जो है क्या सिग्निफिकेंस है जीआरसी में, या फिर जी स्टैंड्स फॉर व्हाट और सी स्टैंड्स फॉर व्हाट. तो आपको पता होना चाहिए जी स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस, आर फॉर रिस्क एंड सी फॉर कंप्लायंस. अब पिछले यूनिट्स जितने भी हैं हमारे 26 से 29th यूनिट में हमने कंप्लायंस के बारे में बहुत पढ़ लिया, एग्जॉस्टिवली हमने कवर किया है उसे, एंड मोर और लेस अब तक आपको थोड़ा फील आ गया होगा कि कंप्लायंस का मतलब क्या होता है. फाइन, बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में जिसके अंदर जीआरसी फ्रेमवर्क है, तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस और रिस्क जो है वो भी इन्वॉल्व रहेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में. और हो सकता है आपको ऐसा भी लगे कि जो आंसर या फिर जो करेक्टरिस्टिक्स कंप्लायंस में होने चाहिए थे वो आपके गवर्नेंस में या रिस्क मैनेजमेंट में मेंशन है. फाइन, तो माई एडवाइस वुड बी जब आप जी आर सी फ्रेमवर्क का कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, स्पेशली अगर केस स्टडी पूछी जाती है, अभी तक तो नहीं पूछी गई है बट जस्ट इन केस पूछी जाती है नेक्स्ट अपकमिंग साइकिल्स में, तो जो कंप्लायंस है उसको एज एन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट आप मान के चलना जब भी जी आर सी फ्रेमवर्क की बात होगी. फाइन, बिकॉज अगर आप कंप्लायंस एज अ होल देखो तो काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स या सब टॉपिक्स हैं कंप्लायंस में जो कि रिस्क और गवर्नेंस में कवर्ड होंगे. फाइन, तो आपने क्या करना है जब भी जीआरसी पे बेस कोई क्वेश्चन आएगा या फिर प्रैक्टिस भी आप कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट के थ्रू, तो उसके अंदर ध्यान रखना है कि जब भी फ्रेमवर्क की बात होगी तो कंप्लायंस को एज एन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट मान के चलना है, ना कि एज अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट. फाइन, सो जीआरसी फ्रेमवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, रिक्वायरमेंट क्यों थी इसकी? इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एंड अदर बिजनेस इशूज. एज सिंपल एज दैट, आपके पास जैसा कि पता है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स आर मैनी, अलॉन्ग विद दैट इंडिविजुअल बैंक पॉलिसीज आर ऑल्सो देयर. फाइन, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक फ्रेमवर्क लेके आए जिसका नाम है जीआरसी फ्रेमवर्क. सबसे पहले गवर्नेंस में देख लेते हैं कौन से कंपोनेंट्स हैं. सिमिलरली वी विल लुक फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस आल्सो. गवर्नेंस के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस है एंड जो रिस्क हैं वो सारे के सारे डिफाइंड होंगे. फाइन, वेल डिफाइंड प्रोसेस रहेगी जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट करते हुए और कंप्लायंस तक लेके जाएंगे एक पर्टिकुलर फाइल को या एक पर्टिकुलर केस को. और जो डिफाइनिंग होगी, जो डेफिनेशन होगी, या फिर जो असेस करेंगे हम कंट्रोल को, जो कंट्रोल मैकेनिज्म होगा एक पर्टिकुलर केस का या एक पर्टिकुलर फाइल का, वो भी यहाँ पे गवर्नेंस के हेड में ही आपके पास डिस्क्राइब्ड रहेगा. ऑडिट एंड अश्योरेंस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है हमें जब भी जीआरसी फ्रेमवर्क हम पढ़ते हैं, क्योंकि कंप्लायंस में भी हमने पढ़ा है कि जो आपका ऑडिट है दैट इज़ मतलब बेसिकली अगर ऑडिट की हम बात करते हैं तो कंप्लायंस तो इंटरचेंजेबल यूज होता ही है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट जीआरसी फ्रेमवर्क एज अ होल देन ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस, ये आपने याद रखना है. देन कंप्लायंस डिस्क्लोजर एंड सर्टिफिकेशन, यहाँ पे जो कंप्लायंस डिस्क्लोजर की बात हो रही है वो होएगी गवर्नेंस में, और जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स या उससे रिलेटेड रिस्क है वो कंप्लायंस के अंदर बात होएगा. फाइन, ये भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, बिकॉज डिस्क्लोजर कंप्लायंस का क्या है, आप समझो कि एक पर्टिकुलर केस था सपोजिंगली, और उसके अंदर आप मान के चलो कि क्रेडिट मैनेजमेंट जो है वो बढ़िया से नहीं हुआ. फाइन, आरबीआई के कुछ नॉर्म्स थे वो फॉलो नहीं किए गए, तो उसका जो डिस्क्लोजर है वो गवर्नेंस के हेड में आएगा, बट
उससे रिलेटेड जो रिस्क्स इन्वॉल्व्ड हैं वो आपके कंप्लायंस के स्ट्रक्चर में रहेंगे. फाइन, रेमिडिएट इश्यूज, जो भी आपकी रेमेडीज होंगी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर गवर्नेंस इन जीआरसी फ्रेमवर्क. रिस्क मैनेजमेंट में क्या आएगा, एज यू नो, आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे और कैटेगराइज करेंगे रिस्क को. अब ये रिस्क काफ़ी टाइप्स का हो सकता है. इट कैन बी योर क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क. फाइन, ये हमने हमारे लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं, तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो एक बारी उससे गो थ्रू हो जाओ, बिकॉज वहाँ पे हमने डायरेक्टली आपको एक ही स्लाइड में सारे के सारे रिस्क समझाए हैं. असेस द रिस्क, वॉट एवर द रिस्क इज, उसे असेस करना है हमें, मिटिगेट करना है उसको. ऐसा नहीं है कि बस हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कैटेगराइज कर लिया और काम हो गया. नो, उसको हमें बेसिकली रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके वहाँ से नलीफाई भी करना है रिस्क को. रिपोर्ट ऑन दी कंटेनमेंट ऑफ रिस्क, और जैसे ही आपने मिटिगेट किया है, यहाँ पे आप एंड नहीं करेंगे इस प्रोसेस को रिस्क मैनेजमेंट की. इनफैक्ट यहाँ से आपके पास जो भी लर्निंग्स होंगी, जो भी आपने लर्निंग्स ली हैं एंड वॉट एवर कंक्लूजन्स यू हैव गॉटन, यू विल रिपोर्ट इट एंड फाइल द कंटेनमेंट ऑफ रिस्क इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, एंड फॉर फ्यूचर स्टडीज यू विल क्रिएट वन डॉक्यूमेंट. फाइन, कंप्लायंस के अंदर देखते हैं. इट विल कैप्चर द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एंड रिलेटेड रिस्क. फाइन, डिफाइन एंड असेस द कंट्रोल, ये आपका तीनों में ही है एक तरह से, जी आर सी के अंदर गवर्नेंस में भी है, रिस्क मैनेजमेंट में भी है और कंप्लायंस में भी है. रेमेडी जो होएगी फाइनल, जो आपने रेमेडी ली है या करी है, दैट इज अगेन इंक्लूडेड इन कंप्लायंस, एंड रिपोर्ट ऑन द कंप्लायंस पोस्चर. फाइन, फॉर फ्यूचर रेफरेंस. ठीक है, तो आप देखेंगे कि इंटरचेंजेबली हमने यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ करी हैं, जैसे रिपोर्ट है, रिस्क मैनेजमेंट में भी आ रहा है और आपका कंप्लायंस में भी आ रहा है. सिमिलरली जो ये असेसिंग द कंट्रोल्स है, ये आपका गवर्नेंस में भी आ रहा है, कंप्लायंस में भी आ रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सभी के अंदर सेम ही प्रोसेस रहेगा. नो, ये वर्टिकल्स बनाए ही अलग अलग इसलिए हैं आरबीआई ने इम्प्लीमेंट करने के लिए, सो दैट आप जो है कन्वीनियंस रहे एज अ बैंकर या फिर एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपको थोड़ी कन्वीनियंस रहे, आपको ऑलरेडी पता हो कि अगर एन नंबर ऑफ टास्क आर देयर विद यू, तो आपको कैटेगराइज कौन सी टास्क करनी है गवर्नेंस फ्रंट में, रिस्क मैनेजमेंट में कौन सी करनी है और कंप्लायंस में कौन सी करनी है. बेसिक कैटेगराइजेशन है इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई योर टास्क. फाइन, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग योर जीआरसी फ्रेमवर्क इन द बैंक्स. द ऑडिट एंड अश्योरेंस इज नॉट स्पेसिफिकली मैंशनड इन द कंप्लायंस स्ट्रक्चर. सो ये जो ऑडिट और अश्योरेंस है, ये कहाँ पे आ रहा था आपका, इट वाज हेयर इन द गवर्नेंस. सो इट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कंप्लायंस स्ट्रक्चर, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. अब नॉर्मली अगर हमने जीआरसी फ्रेमवर्क नहीं पढ़ा और कंप्लायंस के बाकी चैप्टर्स हमने पढ़े, तो ये ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा कि ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज हम उसमें कंप्लायंस स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा बात ही ऑडिट की करते हैं. फाइन, बट जब जीआरसी फ्रेमवर्क की बात होगी, तो इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन व्हाट, इन योर गवर्नेंस सेक्शन. फाइन, रिस्क कैटेगराइजेशन इज ऑल्सो डन अंडर रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, आइडेंटिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन. एंड थर्ड स्टेटमेंट, वेरी सिंपल, जी इन जीआरसी फ्रेमवर्क स्टैंड फॉर गवर्नेंस, दिस इज ऑल्सो राइट. सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी. सो थैंक यू एवरीबडी, दिस वॉज इट फॉर योर जीआरसी फ्रेमवर्क. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट विसल ब्लोअर पॉलिसी एंड अदर other components of your unit. If you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. That is EduTab JIBCIB. In case you have any feedback or you want to get resolved your queries, then you can drop a mail to us at hello@edutab.co.in. Telephonically, you can contact us on this number. Keep revising whatever is being taught in your lecture.